चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। अगर अल्फा बीटा गैमा एक ट्रायंगल एबीसी के तीन एंगल्स हों तो साबित कीजिए कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। उस लॉजिक का नाम है अलाइड एंगल। व्हाट इज अलाइड एंगल? अगर दो एंगल्स का सम और डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो तो उसे अलाइड एंगल का नाम दिया जाता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अलाइड एंगल के कंसेप्ट की मदद से। कि सिंस यहां लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, हमें बताया गया है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो सेम टू सेम यही इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इफ कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल तो देयरफॉर हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के एंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अगर तीनों एंगल्स का सम करूं तो रिजल्ट आता है 180 डिग्री। तो देखिए हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें लेफ्ट साइड पे देखें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और राइट साइड पे गैमा चाहिए। इसलिए क्या करता हूँ, इसमें से गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट पे ही रहने देता हूँ और उसके बाद साइन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करूँगा और इसके ऊपर अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगाऊंगा और प्रूफ कर दूंगा साइन ऑफ गैमा को। देखिए अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पे, गैमा शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, तो 180 डिग्री माइनस गैमा। अब दोनों साइड पे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देते हैं कि साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन इंटू 180 डिग्री माइनस गैमा। उसके बाद हमें देखिए लेफ्ट साइड तो एज इट इज ही रहेगी और राइट साइड पे 180 डिग्री को ब्रेक कर देते हैं 90 के मल्टीपल में। तो जैसे इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक किया तो ये बन गया 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। अब इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करते हैं। तो अलाइड एंगल के मुताबिक कि अगर 90 का मल्टीपल कोई इवन नंबर आ रहा हो तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन तो साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर साइन इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर गैमा लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर मुझे एक अलामत डालनी है कि वो अलामत पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। उसके बारे में जानने के लिए आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट मीन देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइंस, थर्ड क्वाड्रेंट में टीचर और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रेजी। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 और 90 डिग्री के दरमियान में, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 और 180 डिग्री के दरमियान में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 डिग्री के दरमियान में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के दरमियान में होता है। तो देखिए 180 डिग्री में से कुछ भी कम कर दें, 180 डिग्री में से लेस कर दें, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री एंगल लेस कर दें तो आप पहुंच जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट हमें एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि साइंस का एस रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ थीटा को, कि यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। अब हमें यहाँ पर साइन, ये जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी अलामत डालनी है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर मैं अलामत डाल देता हूँ पॉजिटिव की। और याद रखें पॉजिटिव का साइन लगाया नहीं जाता, तो ये एज इट इज साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट cos of alpha plus beta by 2 will be equal to sin of gamma by 2।
अगर अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल एबीसी के तीन एंगल्स हों तो साबित कीजिए कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर होगा साइन ऑफ गैमा बाई टू के। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, हमें बताया गया है कि अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल एबीसी के तीन एंगल्स हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, इसी को लॉजिक बनाएंगे कि सिंस कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई टू। लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ दो एंगल चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और राइट साइड पे एक एंगल चाहिए गैमा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद टू पर दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइड से अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बकायदा। तो सबसे पहले हम गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड, 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय टू लेफ्ट साइड एज इट इज़, 180 डिग्री टू पर डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और गैमा को भी टू पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइड से अप्लाई कर देते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट साइड से भी कॉस ऑफ 90 डिग्री को लिखा जा सकता है 1 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू, लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहने देते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और राइट साइड पे ये एक बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे देखें अलाइड एंगल के मुताबिक, अलाइड एंगल 90 का मल्टीपल शामिल होना चाहिए दो एंगल्स का सम और डिफरेंस। तो यहाँ देखें 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आ रहा है, और ऑड नंबर हमें एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशियो में बदल जाते हैं, और कॉस की को रेशियो होती है साइन। तो ये बन जाएगा साइन, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गैमा बाई टू। अब यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम एक साइन लगाना चाहते हैं कि वो साइन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, तो 90 डिग्री में से कुछ भी कम करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 और 90 डिग्री के दरमियान में, अगर हम 90 डिग्री में से कुछ भी एंगल कम करें तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। इस वजह से कॉस की अलामत भी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होने की वजह से कॉस की साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव की अलामत लगाई नहीं जाती, इसलिए हम पॉजिटिव को इग्नोर कर देते हैं और इसको लिख देते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई टू। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू मानफी साइन ऑफ गैमा। अगर अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल ए बी सी के तीन एंगल्स हों तो साबित कीजिए कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा मनफी साइन ऑफ गैमा के। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल। तो हम लिखते हैं कि सिंस कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल, कि अल्फा बीटा किसी भी ट्राई एंगल के तीन एंगल्स हैं, तो देयरफॉर के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पे दो एंगल्स का सम है और राइट साइड पे एक एंगल है, तो सबसे पहले हम गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद कॉज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे और अलाइड एंगल के कंसेप्ट की मदद से हम इसको प्रूफ कर देंगे।
तो सबसे पहले हम गैमा को शिफ्ट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस गैमा। कॉस का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करते हैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। सबसे पहले हम इस 180 डिग्री को ब्रेक करते हैं 90 के मल्टीपल में, तो कॉस इंटू इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा, और लेफ्ट साइड पे एज इट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक अलामत डालनी होगी पॉजिटिव की या नेगेटिव की। तो यहाँ देखें 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, और इवन नंबर हमें क्या बताता है कि कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशो में नहीं चेंज होगा, तो इस वजह से कॉस तो कॉस ही रहेगा। तो ये आ गया कॉस, इस एंगल को इग्नोर कर दें और यहाँ पर गैमा लगा दें। अब यहाँ पे हमें इस बॉक्स के अंदर एक साइन लगाना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट देखें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 और 90 डिग्री के दरमियान में, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और 180 डिग्री के दरमियान में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 डिग्री के दरमियान में, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 एंड 360 डिग्री के दरमियान में होता है। तो 180 डिग्री में से कुछ भी कम करें तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इस वजह से कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए कॉस की जो अलामत आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो कॉस के लिए हम अलामत लगाते हैं इस बॉक्स के लिए नेगेटिव, ठीक है, और इसको लिख देते हैं, बॉक्स को ख़त्म कर दें, तो माइनस कॉस ऑफ गैमा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा विल बी इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल एबीसी के तीन एंगल्स हो तो साबित कीजिए कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा बराबर 0 होगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिखते हैं यहां पर कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी, तो देयरफॉर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्टेप को हल करते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे दो एंगल चाहिए, गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद अलाइड एंगल के कंसेप्ट की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। गैमा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो 180 डिग्री माइनस गैमा, टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू के टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहने देते हैं के टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड पे 180 डिग्री को ब्रेक कर देते हैं 90 के मल्टीपल में, तो लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम टेंजेंट की अलामत डालेंगे कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो यह देखें 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कि टेंजेंट, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गैमा। अब हमें टेंजेंट के लिए अलामत डालनी है, तो अलामत डालने के लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो देखें क्वाड्रेंट के ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, तो देखें कि 180 डिग्री में से अगर हम कुछ भी कम करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में, तो 180 डिग्री में से कुछ भी कम करें तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। इस वजह से टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए टेंजेंट के लिए जो साइन लगाएंगे वो नेगेटिव का लगाएंगे।
तो यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव का साइन, विल बी इक्वल टू, इसको लिखा जा सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें प्रूफ कुछ और ही करना था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें प्रूफ करना था कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा, तो यहाँ पर मनफी टेंजेंट ऑफ गैमा रिप्लेस कर देता हूँ और प्लस लिख दूंगा टेंजेंट ऑफ गैमा। चलिए रिप्लेसमेंट करवाते हैं। नौ इसकी वैल्यू मैंने वहाँ रिप्लेस की, तो ये आ गया मनफी टेंजेंट ऑफ गैमा और प्लस था मेरे पास टेंजेंट ऑफ गैमा, तो विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा प्लस के टेंजेंट ऑफ गैमा से कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया जीरो। प्रूफ।